अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सामने जो मशीन है उसी के अंदर कुआं है, कुएं में सांप गिरा हुआ है। तो चलिए उसका रेस्क्यू करते हैं और उसे बचाते हैं। तो वीडियो में नज़रें जमाए रखिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर, कुएं के अंदर सांप गिरा हुआ है। कौन सा सांप है, कौन सा सांप नहीं है, उसे जल्द ही निकाल के बाहर आपको उस सांप से रूबरू कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुएं के अंदर पानी भी भरा हुआ है, वही सांप दिख रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों अब ज्यादा देरी न करते हुए कुएं के अंदर चलते हैं। कुएं के अंदर खतरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोस्तों हम लोग अपने जान का ना परवाह करते हुए बेजुबानों का जान बचाते हैं। दोस्तों बस आप लोग हमारे वीडियो पे अपना प्यार और दुआ आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रहिए। इसी तरह से हम अपना काम करते रहेंगे, बेजुबानों को बचाते रहेंगे। बहुत मोट लगा था लूथ। अरे पनिया में तो मोट लगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है और ये सांप बाहर आ गया है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये सांप देखिए कैसे हुड लेकर बैठा हुआ है बाल्टी के अंदर, बहुत ही खुखार है। तो दोस्तों अब इस सांप को लेके चलते हैं बाहर। असलिये पर छोटा, ये बहुत मजेदार है। बस 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 दोस्तों यह एक इंडियन स्पेटिकल कोबरा का बेबी यानी बच्चा है और इसे कोबरा भी कहा जाता है और इसे फिटार भी कहा जाता है, इसे गेहुअन भी कहा जाता है और इसका नाम नाजा नाजा भी होता है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिनियम जहर पाया जाता है। दोस्तों इसे पलटू के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे हिंदी में नाग भी कहा जाता है, देख सकते हैं कैसे हुड लेकर बैठा हुआ है, ये काटने के मुद्रा में है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो न्यू वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए इस सांप को कर लेते हैं डिब्बे में पैक और इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करते हैं ताकि ये कई दिनों का भूखा होगा क्योंकि इस कुएं में कई हफ्तों से गिरा था। तो इसे रिलीज कर देंगे तो ये अपना जाकर अपने अनुकूलित वातावरण में सर्वाइव करेगा और कुछ खा पी लेगा क्योंकि ये काफ़ी दिनों का भूखा है। तो इसे पैक कर लेते हैं फटाफट और इसे ले कर चलते हैं, इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करते हैं। तो दोस्तों जब तक हम इस सांप को पैक करते हैं तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर टच कर दीजिए, तभी हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो इस सांप को पैक कर लिया गया है, अब इसे ले कर चलते हैं इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करने के लिए।
तो दोस्तों इसके अनुकूलित वातावरण में हम आ चुके हैं, यहाँ पर आदमियों का आना जाना नहीं होता है, तो यहीं पर इसे रिलीज करते हैं। देखिए चला गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।